अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त मोहम्मद शराद बिग पिजन से बोल रहा हूँ। आपको कुछ कबूतरों की बीमारी के बारे में बताऊंगा जिससे कबूतरों के अंदर बीमारी ना पाए और कबूतर जाया ना हो, मरे नहीं। ये आपको पहले आपको थोड़े से मैं कबूतर दिखाना चाहता हूँ अपनी, थोड़ी देर। ये हमारे कबूतर हैं, कल्दुमे सफेद। दूसरी जगह पे हम अपने दूसरे जाति कबूतर दिखाने जा रहे हैं। बंद करो इसे। लगभग 800-900 कबूतर हैं हमारे पास ये। बंद कर दिए इसे। अब हम तीसरे नंबर के आपको ये कबूतर दिखाएंगे। ये हमारे तीसरे चौथी मंजिल का कबूतर है। अंदर तक ले लो, जैसे बैठी ना कबूतर। बंद करो।
ये हमारे ऊपर वाली मंजिल के कबूतर हैं, जो 700-800 से ऊपर ही कबूतर हैं हमारे लगभग। और ये हमारी नवंबर में 8 नवंबर को बाजी उड़ेगी, इसमें 105 कबूतर उड़ेंगे। ये हम आपको जिस दिन उड़ेंगे हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे इसके पूरे। और हमारी बाजी लाइव रामपुर से है, ये पर रामपुर से मोहम्मद गनी है, बड़े कबूतरबाज हैं रामपुर के, उनसे हमारी बाजी लगी हुई है जो नवंबर के महीने में उड़ेगी। सब लोगों को, अपने दोस्त फ्रेंड जितने भी हमारे, सब लोगों को हम इसके बारे में बताएंगे, पूरी लाइव चलाएंगे। और अब हम आपको दवाई के बारे में बताना चाहते हैं, शीशी ले पाओगे। जैसे कि आप जानते हो, बरसात का मौसम जैसे ही चालू होता है, कबूतरों में एक तरह की बीमारी आ जाती है। ज़्यादातर कबूतर बीमारी में मारे जाते हैं, बीमार होकर के बहुत ख़तरनाक बीमारी, जरासीम पैदा हो जाते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले साफ़ सफाई की बहुत ध्यान रखना है। जैसे कि ये बीट करते हैं, उसको हमें बहुत सफाई के साथ रखनी है, और हर दूसरे दिन हमें बहुत फ्रेश तरीके से सफाई करनी है। और हमें इसके बारे में, दवाई के बारे में विशेष ध्यान देना कि हमारे कबूतरों में बीमारी ना पाए। हमारे इतने कीमती कबूतर और शौक के कबूतर होते हैं जो मारे जाते हैं, ज़्यादातर बचते नहीं हैं। पूरे पूरे खेल लोगों के शौक के खेल ख़त्म हो जाते हैं, जिस वजह से लोगों के अंदर एक बहुत नरमी पैदा हो जाती है और एक दुख पैदा होता था, जिस कारणवश लोग बहुत से शौक को कर नहीं पाते। जैसे बारिश का महीना चालू हो तो आप महीने में 8 दिन जो है दवाई का यूज़ करें, जो हमारे कबूतरों में बीमारी ना पाए। जैसे टेढ़ा है, सूखा है, लकवा है, और कपास बन जाती है चोंचों के अंदर, लोग सुस्त हो, कबूतर जो है सुस्त हो जाते हैं, और सुस्ती में वो लोग कबूतर मर जाते हैं, और उनका जो अंदर का पेट पेट सब खराब हो जाता है, जिस वजह से हाजमा नहीं हो पाता। कबूतर के अंदर एक भयानक बीमारी हो जाती है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप बरसात का टाइम चालू हो जाए तो हफ्ते में आप ये ज़रूर 8 दिन ये दवाई दें, डेली एक एक ढक्कन। जैसे कि ये है मैरी क्वीन, और एक ये मल्टी स्टार है, दोनों को एक एक ढक्कन में, जैसे आपने ये पानी लिया, पानी लेने के बाद इसके अंदर आप एक एक ढक्कन डाल दें डेली 7-8 दिन, जिससे कि बीमारी ना पाए। ये ऐसी दवाई है कि हम लोग बहुत 10 साल से यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे कबूतरों में बीमारी, किसी तरीके की बीमारी नहीं आती। अगर आ भी जाती है तो हम लोग समझ जाते हैं कबूतर क्यों सूखते हैं या क्या बात है, तो हम लोग जब ही एकदम यूज़ कर देते हैं। और इसमें मिलाने के बाद इसे अच्छी तरीके से घोल लें, और घोल के आप 7-8 दिन अच्छी तरीके से इसे पिलाएं, जैसे दाना चुगाया। और ज़्यादातर गेहूँ है, आप जो भी चीज़ चुगाते हैं कबूतरों को, तो उसे ज़्यादातर धो के डालें, क्योंकि ये खेतों में, जंगल में ज़्यादातर दवाई का यूज़ होता है, जिस पर कबूतरों पर ज़्यादा असर करता है। ये इंसान की तरह ही एकदम बीमार हो जाती है, इन्हें भी एकदम बीमारी पकड़ लेती है, जिससे हमें ज़्यादातर गेहूँ धो के डालने चाहिए। पता नहीं कहाँ के हैं, कितने पुराने हैं, अगर आपने अपने घर के भी हैं तो ज़्यादातर धो के डालें, क्योंकि उसके अंदर घुन पैदा नहीं हो गया हो, पुराने का हो, गेहूँ नहीं हो, इसलिए ज़्यादातर आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और कबूतर में, जैसा आपके कबूतर में अचानक आपने दवाई भी नहीं दी और ये बीमारी आ जाती है, बीमारी आने के बाद आपको दिखाई देता है तो कोई टेढ़ा हो गया, कोई लकवा हो गया, तो ऐसे ये कबूतर है हमारे, तो इन कबूतरों में से वो कबूतर जो बीमार हो चुके हैं वो निकाल लें। निकालने के बाद अच्छे कबूतरों को आप दवाई डालें, डेली एक एक ढक्कन डालें, और 15-20 दिन डालें, आपके कबूतर इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह हमारा परखावा फार्मूला है, बहुत परखावा, और एक ज़माने से पालते चले आ रहे हैं हमारे ताऊ, हमारे जो है ज़माने से भाई पालते हैं, एक अनवर डॉक्टर, मशहूर डॉक्टर हैं यहाँ के पीपल साने के बच्चों के, और बहुत अच्छी तरीके से वो भी कबूतर पालते हैं और देख रेख करते हैं। और इसी तरह से हम ये दवाई मिला में, जब आपके कबूतर दवाई दे में ऐसा, और जो
जो बीमार हो चुके हैं कबूतर वो आप बिल्कुल इसमें से निकाल कर और अलग तरीके से रख दें, उनकी भी आप इस तरीके से उपचार करें। टेढ़े बेढ़े जो भी हो गए हैं, लकवा हो गया है, उन्हें सही तरीके से आप गेहूं चुगाएं, अपने हाथ से चुगाएं, नहीं तो और ये दवाई देते रहें, इंशाल्लाह आपको कबूतर सही हो जाएगा। और ज़्यादातर बीमार हो जाए तो इन कबूतरों में से आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि इसमें जरासीम पैदा हो जाता है और जब भी बीट करता है वो तो एक दूसरे की बीट पैरों पे लग जाती है, पैरों पे लगने के बाद उसके मुंह पेट में चली जाती है चोंच के सहारे, जो जिस कारण एक कबूतर हुआ फिर कल को 10 कबूतर हो जाएंगे, 10 के वो बीट लग जाएगी और वो ये जरासीम एकदम ख़त्म नहीं होती और एकदम साफ सफाई और ये सब करने की तैयारी कर दें, कबूतर इंशाल्लाह एक भी आपका बीमार नहीं होगा। जो बीमार भी हो गया वो आपका ठीक हो जाएगा और कहीं से कहीं तक भी बीमारी पनप नहीं पाएगी। ये आप एकदम चालू कर दें और जैसा आपको कभी भी जैसे आपके कबूतर स्वस्थ भी हैं तो ये दवाई हमेशा डालते रहें। वेस्ट विक पिजन है, इसमें आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जो कि हम आगे को आने वाली वीडियो आपको डाल सकें, जो हमारी हिम्मत बन सके और हमारे जो है आगे को हम एक दवाई के बारे में और बताएंगे, जैसे कि आँख दुख जाती है वो अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।